रिमेक पे रिमेक, रिमेक पे रिमेक, रिमेक पे रिमेक, रिमेक पे रिमेक मिलती रही है, लेकिन ओरिजिनल फिल्म नहीं मिला मिलॉर्ड, ओरिजिनल फिल्म नहीं मिला, मिला है तो सिर्फ ये रिमेक। नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और आप देख रहे हैं थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक। आज की इस वीडियो में हम साल 2000 में आई बेहद लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे पहले इसी कहानी पर कितनी फिल्में बन चुकी थीं तथा आगे चलकर इसी कहानी पर अन्य कितनी फिल्में बनी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 में आई सी द मैन रन नामक एक अमेरिकन टेलीविजन फिल्म से, जिसकी बेसिक स्टोरी लाइन कुछ यूं थी कि कुछ अपराधी एक बच्ची को किडनैप कर लेते हैं और जब फिरौती की रकम के लिए वो उस बच्ची के पिता को फोन करते हैं तो गलती से उनका फोन एक स्ट्रगलिंग एक्टर के यहाँ चला जाता है जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद खस्ताहाल होती है। ऐसे में वो स्ट्रगलिंग एक्टर और उसकी पत्नी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि क्यों न इस घटनाक्रम में बिचौलिया बनकर पैसे कमा लें। लेकिन जल्दी तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है जब वो आसान से नजर आने वाले इस फिरौती के खेल में फंस जाते हैं। साल 1971 में अमेरिकन निर्देशक कोरी एलन के द्वारा बनाई गई इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को जब मलयाली फिल्मों के सलीम जावेद कहे जाने वाले लेखक व निर्देशक जोड़ी सिद्दीकी लाल ने देखा तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस अमेरिकन थ्रिलर फिल्म को कॉमेडी का तड़का देकर मलयालम में बनाया जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने कुछ ही दिन में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर दी जिसे जाने माने मलयाली फिल्म मेकर फाजिल प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए। फिल्म का नाम रखा गया रामजी राव स्पीकिंग, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में साई कुमार, मुकेश, इनोसेंट और रेखा को लिया गया। यह फिल्म 1989 में बनकर रिलीज हुई और मलयाली दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय भी रही। इसी लोकप्रियता को देखते हुए अगले ही साल फिल्म के निर्माता फाजिल ने इसे तमिल में अरंगेत्र वेलाई नाम से रिमेक किया, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में प्रभु, रेवती और विके रामासामी को लिया गया। इस बार फिल्म के लीड कैरेक्टर्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि जहां रामजी राव स्पीकिंग में तीनों लीड कैरेक्टर्स मेल थे, वहीं इस बार लीड रोल में दो मेल और एक फीमेल देखने को मिला। यहां इसको कुछ यूं समझिए कि हेरा फेरी में जो राजू का चरित्र था वो इस फिल्म में माशा नामक एक लड़की में बदल दिया गया जिसे रेवती ने निभाया था। बहरहाल तमिल भाषा में बनी यह फिल्म भी उम्मीद के मुताबिक लोगों को बेहद पसंद आई। एक ही कहानी पर दो बैक टू बैक हिट्स के बाद साल 1995 में रामजी राव स्पीकिंग का सीक्वल भी देखने को मिला जिसका नाम था मन्नर मथाई स्पीकिंग और इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया। लेखक जोड़ी सिद्दीकी लाल की लिखी सीरीज की कामयाबी को देखते हुए फिल्म निर्देशक प्रिय दर्शन ने इसका हिंदी रिमेक बनाने का सोचा और इस सिलसिले में उनकी मुलाकात निर्माता फिरोज नाडियाडवाला से हुई जो कि इसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से ओरिजिनल फिल्म रामजी राव स्पीकिंग के स्क्रिप्ट को हिंदी दर्शकों के अनुसार ढालने की जिम्मेवारी नीरज वोरा को सौंपी गई। 11 जनवरी 1997 को इस फिल्म का मुहूर्त रखा गया जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों के अलावा बाल ठाकरे ने भी शिरकत किया था। यह दिलचस्प बात यह है कि उस समय इसे हेरा फेरी के जगह पर रफ्तार के नाम से लॉन्च किया गया था और इसके लीड स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, संजय दत्त, परेश रावल और करिश्मा कपूर चुने गए थे। गौरतलब है कि आगे चलकर संजय दत्त और करिश्मा ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि जहां संजय दत्त उन दिनों अपने केस के सिलसिले में व्यस्त हो गए थे, वहीं करिश्मा कपूर को अपनी रोल की लंबाई कम लगी। ऐसे में संजय दत्त के जगह पर सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर के जगह पर तब्बू को चुन लिया गया। बताता चलूं कि संजय दत्त ने जब अपनी मजबूरी बताते हुए फिल्म छोड़ दी तो उन्होंने ही फिरोज नाडियाडवाला को सुनील शेट्टी का नाम सुझाया था। खैर, अगले 3 सालों में फिल्म बनकर तैयार हो गई और 31 मार्च 2000 को इसे हेरा फेरी के नाम से रिलीज कर दिया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में जिसे एक बेहद लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म का दर्जा हासिल है, शुरू में दर्शकों ने इसे नकार दिया था और फिल्म की ओपनिंग बेहद खराब रही थी। तकरीबन 7.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 12.35 करोड़ रुपयों का कारोबार किया जिसका डिस्ट्रीब्यूशन शेयर महज 7.80 करोड़ रुपयों का ही रहा। इस तरह से एक बेहद कामयाब फिल्म की रिमेक उन दिनों औसत करार दी गई थी, लेकिन आगे चलकर फिल्म को जब केबल टीवी और होम वीडियो पर रिलीज किया गया तो दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और आज के समय में यह एक कल्ट कॉमेडी फिल्म का दर्जा रखती है। खैर, वापस लौटते हैं अपने मुख्य विषय की ओर और जानते हैं कि फिल्म रामजी राव स्पीकिंग के तमिल और हिंदी के अलावा अन्य किन भाषाओं में रिमेक बने।
साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी के इसी कहानी पर अगली फिल्म साल 2002 में तेलुगु भाषा में बनी, जिसका नाम था धन लक्ष्मी आई लव यू। तेलुगु फिल्मकार शिव नागेश्वर राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लीड रोल में हमें अल्लारी नरेश, आदित्य ओम नरेश और अंकिता देखने को मिले। आगे चलकर इसी कहानी पर साल 2004 में कन्नड़ फिल्म ट्रिन ट्रिन, 2005 में ओडिया फिल्म रॉन्ग नंबर भी बनाई गई। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि एक कहानी पर अब तक कुल 6 फिल्में बन चुकी हैं। तो ये थी रीमेक फिल्मों के विश्लेषण पर हमारी खास श्रृंखला रीमेक पे रीमेक का दूसरा एपिसोड। हमने इस श्रृंखला पर अन्य कई एपिसोड्स बनाने का निर्णय लिया है। तो फिर आप हमें कमेंट में यह अवश्य बताएं कि अगली किस फिल्म पर आप ऐसा ही एक वीडियो देखना चाहते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। चैनल पर नए हो तो हमारे आगे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।